ये आज की मीटिंग जो है हमारी, ये सभी जितने भी मुंबई के और महाराष्ट्र के टैक्सी यूनियन से उनकी मीटिंग थी, और टैक्सी ड्राइवर्स की जो समस्या है उसको लेकर आज सरकार हमारे बारे में क्या सोच रही है, और हमारे जो ड्राइवर्स को आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में आज ये मीटिंग थी हमारी। तो सरकार से आपकी क्या मांग है एयरपोर्ट पे, खास करके एयरपोर्ट पे इस तरीके के एयरपोर्ट पे जो आज भी आपको बताने चाह रहा हूँ कि एयरपोर्ट पे जो बिजनेस होता है पूरा वो ड्राइवर के बेस पे बिजनेस हो रहा है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाएगा तब ये एयरपोर्ट चलेगा, ये भी ध्यान में रखना आप लोग। तो आगे हमारे मुद्दे जो है वो टैक्सी यूनियन के अलग है, कुल कैब के अलग है, ओला उबर ड्राइवर्स के जो प्रश्न है वो अलग है, हमारे जो महिला ड्राइवर्स है जो एयरपोर्ट में उनके जो है मुद्दे वो अलग है। तो वो मुद्दों को लेकर हम लोग आने वाले कुछ दिनों में आंदोलन करने भी वाले हैं। तो ये सभी साथी हमारे जो यूनियन के मुख्य जो साथी है वो सब जमा हुए हैं, और आगे का जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने के लिए आज खड़े हैं। सर आपके मुद्दे क्या क्या बताएंगे सर? देखो मुद्दे तो पहले तो रेट के बारे में है, किलोमीटर का रेट, क्योंकि पेट्रोल CNG डीजल ये तो बढ़ते जा रहा है, पर सरकार का ध्यान ये नहीं है कि ये बढ़ते जा रहा है तो ये ड्राइवर किस तरह से काम करेंगे। तो ये रेट का पहले मसला है, सोशल सिक्योरिटी हमारी क्या है, हमारा आज ड्राइवर जाता है तो उसकी सिक्योरिटी क्या है आज, प्लस ओला उबर जो ड्राइवर्स है उनकी एग्रीगेटर गाइडलाइन स्कीम आने वाली थी उसके ऊपर भी हम लोग आज बात करने वाले हैं सरकार से। सर कितने यूनियन यहाँ पे जो है आज इकट्ठा हुई? लगभग 10-12 यूनियंस तो है ही यहाँ पे, और उसके बाद में भी हम लोग और प्रोटेस्ट के लिए हम लोग करने वाले सभी लोगों से बात करें, बहुत सारे पक्ष हैं जिसमें टैक्सी यूनियन काम करिए उनसे भी बात करके हम लोग आने वाले कुछ दिनों में उनके साथ में बैठ के काम करने वाले उनके साथ। सर ये ड्राइवर्स जैसा कि आपने बताया कि टैक्सी ओला उबेर जैसा कि स्विगी जोमेटो वाले लोग के लोगों जरूर 100% क्योंकि हम लोगों ने फूड डिलीवरी जो है उनके लिए ऑलरेडी हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल किए, ओला उबर ड्राइवर्स के लिए हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। पिटीशन दाखिल करने का मसला यही है कि हम लोगों के जो मुद्दे हैं वो सरकार नहीं सुन पा रही है, क्योंकि सरकार चेंज होते जा रही है, किससे बात करें, कल कौन रहेगा हमें ये मालूम नहीं है। तो अभी हम लोग तंग आ गए सरकार को लेटर देकर, उनसे बात करके, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को, लेबर मिनिस्टर को बात कर करके हम लोग तंग आ गए। इसके लिए हमें आगे हाईकोर्ट की सीढ़ी चढ़नी पड़ी और हाईकोर्ट में हम लोगों ने हमारे मुद्दे रखे हैं। वो हमारा रेट नहीं बढ़ा है काफ़ी टाइम से, और आज CNG का इसका भाव इतना बढ़ चुका है और रेट जो है वो जस का तसी है। और इन लोगों की पॉलिसी ये भी है कि जैसे हमारा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे पार्किंग हमारी जो थी तकरीबन 1200 गाड़ी की पार्किंग थी, जिसको ख़त्म कर दिया गया, और आज गाड़ियाँ रोड पर है जिसकी वजह से ट्रैफिक का फाइन और आम पब्लिक से झगड़ा ये सब बातें होती है और उसको झेलना पड़ता है ड्राइवर को। ये जो मुख्य मांगे हमारी है वो महत्वपूर्ण है। और तीसरा जो है ग्रीन उबेर करके वहाँ आ गई है जिसकी वजह से ओला उबेर को भी नुकसान हो रहा है और टैक्सी को भी नुकसान हो रहा है, और आज ये ग्रीन उबेर लेकर आए हैं जो ड्राइवर बेस पे चलाते हैं, मतलब अपना ड्राइवर रख के पगार दे करके, वो आने वाले दिनों में ये लोग क्या करेंगे, सारी गाड़ियों को ख़त्म करेंगे। इसलिए हम लोगों ने यह तय किया कि हम दोनों दिन मिल करके इनकी जो ये तानाशाही रवैया जो है ये एयरपोर्ट के साथ मिल करके कंपनियों का, इसको रोकने के लिए ग्रीन उबेर जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है लेके आई है, ये लेकर आई है कंपनी ओला उबेर कंपनी, लेकिन इसको समर्थन जो मिला है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी का मिला है, क्योंकि इसके बिना ये चल कोई भी कंपनी बिना एयरपोर्ट के नहीं चल पाती है। सबसे बड़े उनकी जो मार्केटिंग वगैरह होती है, जो सबसे ज़्यादा पैसेंजर मिलते हैं वो यहाँ से मिलते हैं, बल्क में मिलते हैं। इसीलिए हम लोगों ने भी तय किया कि जो पहला हमला होगा हम लोग एयरपोर्ट से ही करेंगे, इनको रोकने का। आंदोलन जो है आप लोग कब तक के करने वाले हैं? अभी हम लोग आपस में चर्चा करेंगे, अब उनका साहब है प्रशांत जी है, हम लोग मीटिंग कर लेंगे और बाकी यूनियन के लोग हैं जो कोई बचे होंगे उनसे भी बात कर लेंगे, ताकि कहीं कोई विवाद ना हो किसी चीज़ को लेकर कि हमको पूछा नहीं गया, तो सब इकट्ठा होकर उसे तय किया जाएगा। देखिए ऐसा है कि मुंबईतली जी कन्व्हेन्शनल टॅक्सी आहे येलो ब्लॅक आणि कुल कॅब आणि त्याच्यावर आता ओला उबेर सारख्या कंपन्यांच्या पण गाड्या जोडलेल्या आहेत, ते बरेच वर्षापासून यांचे बरेच प्रश्न प्रलंबित आहेत, सरकार बघायला तयार नाही आहे, कंपन्या लुटायचं काम करतात, एअरपोर्टवर अदानीपासून ज्या बाकीच्या कंपन्या आहेत त्यासुद्धा आमच्या ड्रायव्हरांना लुटायचं काम करतात। तर ह्या सर्व प्रश्नाकडे लक्ष वेधण्याच्या दृष्टिकोनातनं मुंबई आणि महाराष्ट्रातील जेवढ्या टॅक्सी युनियन आहेत त्या सर्वांना एकत्र करण्याचा उद्देशाने आजची पहिली बैठक ही आम्ही एअरपोर्टला घेतली आहे। आता एअरपोर्टला घेण्याचं कारण काय आहे? तुम्ही म्हणाल की एअरपोर्टच का, तर एअरपोर्ट हे नाक आहे, जर नाक दाबलं तर तोंड उघडणार, कारण हे प्रेशर टॅक्टिक्स आहेत, जोपर्यंत सरकारवर दबाव येणार नाही तोपर्यंत सरकार झुकणार नाही आणि आमचे प्रश्न समजून घेणार नाही, सोडवायचं तर मागे आहे, त्यामुळे आमचा हा सगळा प्रयत्न यासाठी आता सुरुवात झालेला आहे।
मेरा नाम रिंकू शर्मा है और मैं महाराष्ट्र यूनियन से, महाराष्ट्र से प्रेसिडेंट हूँ वेमेन विंग से। और आज हम लड़ाई कर रहे हैं अपनी महिलाओं के लिए जो एयरपोर्ट पे काम करती हैं, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे। यही हमारी महिलाएं ओला उबर में भी हैं, काफ़ी परेशानियों को ये फेस कर रही हैं तकरीबन 2006 से, जब बड़ी बड़ी कंपनियों का राज था। आज तो हम मेट यूनियन से जुड़े हुए हैं और काफ़ी हमारी आशाएं हैं, क्योंकि इस वक्त एयरपोर्ट की हालत महिलाओं के लिए बहुत ख़राब है। उन्हें वाउचर्स टाइम पे नहीं दिए जाते हैं, दो दो तीन तीन दिन तक ये महिलाएं अपना घर छोड़ के एयरपोर्ट पे रहती हैं और काफ़ी हैरेसमेंट है किए जाते हैं सिक्योरिटी द्वारा। और जो भी आजकल अब CNG पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन इनके टिकट्स के कोई दर नहीं बढ़ रहे, इनके किलोमीटर्स नहीं बढ़ा के दिए जा रहे हैं और हमारी महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। यही महिलाएं जो ऑल इंडिया और ऑल इंडिया में गाड़ी चलाती हैं, महाराष्ट्र की, मुंबई की महिलाएं, जो कि दिल्ली जैसे सेंसिटिव देश में महिलाएं रात को गाड़ी नहीं चलाती, लेकिन ये महिलाएं जाती हैं ऑल इंडिया। लेकिन इनकी हालत इस वक्त मुंबई में, इनकी पहचान एक हो गई है जो इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियों ने दिया था, बट आज ये महिलाएँ अपनी पहचान बनाना चाहती हैं अपने दम पर। और यही हम चाहते हैं कि हम सारी यूनियंस मिलके जो ये स्ट्राइक है हमारे हक के लिए, एयरपोर्ट पे इनके लिए लड़ी जाए। हमें प्रीपेड नहीं मिलती है, हमारे घर की परिवार बाल बच्चा छोड़ के हम कमाने के लिए आते हैं, लेकिन हमें चार चार पाँच पाँच घंटा हमें भाड़ा नहीं दी जाती है। महिलाएं हैं उनको तो ऐसा जैसा कचड़े की माफी के ऐसा देखते हैं, उनकी कोई सिक्योरिटी द्वारा, एयरपोर्ट द्वारा कोई इज्जत नहीं करते हमारे महिला। तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे और यही चाहेंगे कि हमारे महिला जहाँ खड़े हों वहाँ उनकी इज्जत हो, उनकी वो अपना घर द्वार बाल बच्चा छोड़ के आ रहे हैं उन काम करने के लिए, तो जो उनका हक का है उनको दिया जाए, नंबर बाय नंबर दिया जाए। जैसे हमने कुछ पहले किया है यहीं पे डोमेस्टिक एयरपोर्ट में किया है, कुल कैप के साथ में, काली पीली के साथ में हम लोग ने काम किया है। इनकी चार गाड़ी निकलती थी तो हमारी दो गाड़ी निकलती थी, उसी हिसाब से हमें दिया जाए पैसा और हमारी प्रीपेड की रेट बढ़ाया जाए। देखिए ऑनलाइन काम करने वाले लोगों की तो हालत बहुत ख़राब है, एयरपोर्ट पे तो खैर ये जब भाड़ा लेके जाती महिलाएं तो खाली गाड़ी लेके आती हैं, ये परेशानी है, ट्रैफिक है, इवन ये लोग नाइट में गाड़ियां चलाती हैं। अब रहा सवाल ऑनलाइन का, तो ऑनलाइन में सबसे पहले तो वेंडर लोगों ने ही अपनी अपनी गाड़ियां लगा दी हैं, जो बचते हैं, जो यहाँ वहाँ के भाड़े बचते हैं वो दिए जाते हैं जिनकी अपनी खुद की गाड़ियाँ हैं, जो लोन पर गाड़ी लेके चला रही हैं। तो महिलाओं की हालत तो बहुत ख़राब है, इवन पुरुष ड्राइवर्स की भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, जो आजकल की आप मुंबई में ट्रैफिक देख रहे हो और ओला उबर का तो भाड़ा आप देख ही रहे हो, 25% 35% वो लोग ले रहे हैं, कमीशन तो वो लोग छोड़ते नहीं हैं। तो और बाकी ना तो ड्राइवर की सुनी जा रही है और सिक्योरिटी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है, जो कस्टमर की से पहले कस्टमर का सुना जाता है, अगर आपने एक भाड़ा अगर आपने लिया नहीं तो फ़ाइन लगाया जाता है, 500 रुपीज़ फ़ाइन है। तो इस हिसाब से पूरी तरीके से तो आज ड्राइवर समाज डिपेंड है ऑनलाइन कंपनियों के ऊपर और वो एक बंधुआ मजदूर की तरह इन्हें देख रहे हैं, और यही चीज़ें आगे जाके चलेंगी, क्योंकि ये जो कंपनी है इनको एक प्रकार से तो एम्प्लॉय मानते नहीं हैं, और एम्प्लॉय नहीं मानते तो इनके साथ जानवरों जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि लगातार काम करना है, और ये ड्राइवर इनको पता ही नहीं है कि 8 घंटा क्या होता है, ये तो 24 घंटे दो दो तीन तीन दिन काम कर रहे हैं और वो उसी काम के परेशान होके वो सारी चीज़ें जो एक्सीडेंट हो रही है, आपने गाड़ी में सुना होगा हार्ट अटैक आ गया या नींद में एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं, इसीलिए हो रही हैं, बहुत हैरेसमेंट किए जा रहे हैं। और ऑनलाइन कंपनी का अगर आप बोलोगे कि अगर आप स्टेशन पे खड़े हो, मॉल में खड़े हो तो आपको भाड़े मिल रहे हैं, अगर आप मान लो कि किसी जहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, जब नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा तो ड्राइवर फंस गया, किसी नेविगेशन ही नहीं चलेगा तो निकलेगा कैसा, एक औरत के लिए आप सोचिए कि रात में अगर वो फंस जाती है तो कैसे बाहर आएगी। आपने सुना भी होगा कि जहाँ पे अभी इंदौर में हुआ था एक स्विगी जोमेटो वाले के साथ, उसको चाकू से मारा गया। तो हम लोग, हमारी जो ये यूनियन है ये ट्रेड यूनियन है, ये जो लड़ रही है मजदूरों के हित के लिए, हम लोगों ने उन्हें IFAT से, इंडियन फेडरेशन ऑफ एप बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन, जो हमारे अध्यक्ष महोदय हैं प्रशांत सर, हम लोगों ने मिल के उस स्विगी जोमेटो का जो वो जो लड़का था उसे, हमें उसकी फैमिली को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन हमने उस कंपनी से लड़के दिलाया, ओला उबर जैसी, स्विगी जोमेटो जैसी। ये लोग सुनने वाले तो नहीं हैं, लेकिन यूनियन द्वारा हम अपने भाइयों का आवाज़ शासन तक ले जाना चाहते हैं, उनके कानों तक, और कंपनियों से हम लड़ रहे हैं ताकि इनका हक हम छीन के ला सके। मैडम, जैसे कि आप लोगों को आज साथ होते हुए देखा हमने, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पे इस मीटिंग में
जो है शरीक हो नहीं पाए जी, या कोई होना नहीं चाहता था। जैसे कि ऐसे बहुत सारे बम्बई में टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो अलग 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 अपने ग्रुप अलग अलग ग्रुप बना बना कर जो है लड़ रहे, तो वो लोगों को जो है अब क्या मैसेज दोगे? देखिए ये पहला दिन है और पहला दिन का जो रिस्पॉन्स मिला है वो बहुत अच्छा मिला है, और ये सभी लोग मुझे ऐसा लगता है कि एक उम्मीद से भरे हुए हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन्हें कंफ्यूज किया जा रहा है, और इतने सालों में ये लड़ाई इसी तरीके से अलग 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 टूट टूट के की जा रही है, क्योंकि सभी परेशान हैं। ड्राइवरों में डर फैला दिया गया है कि अगर आप यूनियन का सहारा लोगे, किसी यूनियन से हो या ओला उबर से जाके आप अलग से प्रदर्शन आंदोलन करते हो तो हम आपको आईडी ब्लॉक कर देंगे, आपको निकाल देंगे, हमेशा के लिए ऑफलाइन कर देंगे। तो देखिए ट्रेड यूनियन एक ऐसी चीज़ है जो आपका आईडी वाईडी तो सब हम लोग तो अनब्लॉक करवा ही देते हैं, लेकिन अब इनके मन से डर निकालना है। और आपको एक चीज़ बता दूँ, ड्राइवर जो है ना एक आम इंसान नहीं है, वो इस काम को करते 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 मानसिक तौर पे ना बोला जाए तो इतना परेशान हो गया है कि वो जो उसको बताता है कि चलो यहाँ पे अच्छी मिल रही है वो जैसे इन ड्राइव में, तो वहाँ भागता है, कहीं और मिल रही है तो चलो वहाँ भागते हैं, वो नहीं सुन पाते। तो ये टुकड़े टुकड़ों में ये ड्राइवर बट गया है, उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। तो अगर शासन इस चीज़ को चलाए कि हमारे ड्राइवर को अच्छे से अच्छा एक ट्रेनिंग दे, जब क्या है कि जब यूनियन होती है तो वो समय समय पे इनको फ्री चेकअप हो गया, बॉडी चेकअप हो गया, आई टेस्टिंग हो गया, ये ड्राइवर नहीं जाता करवाने के लिए, उसे ध्यान ही नहीं है कि मुझे कुछ होता है। सबसे ज़्यादा तो ड्राइविंग फील्ड में डायबिटीज़ होता है जो मुझे है, बीपी है, डायबिटीज़ बीपी तो आपको बोलते हैं ना प्रसाद के रूप में मिल जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है किडनी का। आप वो टॉयलेट तो भूल ही जाता है, आठ आठ दस दस घंटे बेचारा बैठा हुआ है, और उससे भी बुरी बुरी हालत महिलाओं की है, क्योंकि ड्राइवर जो है वो तो कहीं भी चला जाएगा, उनके लिए बने हुए शौचालय, और औरत क्या करे, वो जब एयरपोर्ट से भाड़ा लेके जाती है, फिर वो पनवेल का हो, सूरत का हो, चलो सूरत गुजरात की तो बात हम नहीं करेंगे, लेकिन पनवेल जैसा जगह नाला सुपारा पनवेल, वहाँ से उसको खाली गाड़ी लेके यहाँ एयरपोर्ट पे आना होता है वॉशरूम के लिए, और ऐसा भी नहीं कि जगह जगह पे शौचालय, वो शौचालय में भी उसको रोज का अगर अच्छी जगह गई है तो बेचारी को 20 रुपये देना पड़ रहा है, 20 रुपये 10 रुपये देना। अगर एक ड्राइवर रोज का 10 रुपये देगा टॉयलेट के लिए इसी डर से कि भाई रोज का अगर वो 100 रुपये दे तो भी 3000 रुपये होता है, तो एक औरत बेचारी, एक तो बैंक वाले उसको तो लोन देते नहीं है, ड्राइवर के लिए तो पता नहीं क्या है कि अगर रोज कुआ खोद रहा है और पी रहा है पानी, तो उसके लिए तो ना तो लोन का फैसिलिटी है, ना उसके बच्चे के लिए कुछ है, ना उसके घर के लिए कुछ है, और वो भी रेंट पे ले रही है, रेंट पे गाड़ी 1000 रुपये 900 रुपये इस हिसाब से आ रही है, तो महीने का रेंट भरे या अपनी खुद की गाड़ी ले तो बैंकों की सुने। तो इस तरीके से ड्राइवर जो है ना चारों तरफ से घिर चुका, और कंपनियाँ जो शोषण कर रही है अलग, और प्राइवेट सेक्टर यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी आपको यूज़ कर रही है वो अलग, कुल मिला के सब वो एक दूसरे का माइंड डाइवर्ट करके अलग कर चुके हैं। तो देखते हैं।